वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि क्वांडल से आप लोग कैसे डेटा सेट उठा सकते हैं और क्वांडल से डेटा सेट उठाने के बाद आप लोग कैसे उसमें से रेलेवेंट चीज़ें जो हैं प्रिंट करा सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैंने एक नई फाइल बनाई है और उसमें मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है जेसन, क्योंकि इसमें मैं आप लोग को जेसन के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग जेसन जो है देख लीजिए, इम्पोर्ट जेसन लिखने पर आपका एरर नहीं आना चाहिए जब आप इसको रन करेंगे। पुराने वीडियोज़ में मैंने कवर कर दिया है कैसे मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा जेसन क्या होता है। जेसन होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या होता है कि एक डेटा इंटरचेंज का फॉर्मेट होता है। कि पहले क्या होता था, XML भेजी जाती थी और XML जो है पार्स करना डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, लेकिन जेसन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था रिलेटिवली। तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है ब्राउज़र्स के लिए काफ़ी ईजी होता था, डेटा जो है भेजना और फिर सेंड करना और रिसीव करना। तो इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड की तरह अपना लिया गया और इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। अगर आप लोग डिटेल देखनी है तो जाइए json.org में पढ़ लीजिए। अभी के लिए हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे हम लोग पाइथन में कैसे जेसन पास करेंगे। तो पाइथन में जेसन पास करने के लिए मैं एक सिंपल सी जेसन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा माई जेसन और इज इक्वल टू लिखूँगा या ट्रिपल डॉट लगा लूँगा। ट्रिपल डॉट के अंदर आप लोग मल्टी लाइन कॉमेंट लिखते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने जो डाउट है आपका मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि जो ट्रिपल डॉट के अंदर है होता है मल्टी लाइन कमेंट, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रिपल डॉट के अंदर मल्टी लाइन कमेंट तो होता ही है, लेकिन अगर आप लोग एक वेरिएबल इक्वल्स टू लिख देंगे ट्रिपल डॉट के अंदर कुछ कुछ, तो वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपने वेरिएबल में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप लोग उसको ट्रिपल डॉट के अंदर रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक सिंपल सी जेसन। तो जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग सिंपली कॉपी करते जाइए, मैं आप लोग कोड भी दे दूँगा अगर आप लोग को चाहिए तो। तो उसकी टेंशन जो है आपको नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टेटस ओके, ये मैंने कहीं से कॉपी की हुई है एक्चुअली जेसन। तो सोर्स यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट मैं कुछ गड़बड़ ना ही करूँ, दिस और मैं कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी सीरियसली मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, वैल्यू और जेसन का जो फॉर्मेट है आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं कहीं से भी, नहीं तो आप लोग जो मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि इसको यहाँ पर लिखना है ए इज़ इक्वल टू जेसन डॉट लोड्स, लोड्स लोड नहीं लोड्स, और इसके बाद आप लोग को जेसन डॉट लोड्स में माई जेसन को लिख देना है। जैसे ही आप लोग ऐसा करेंगे और उसके बाद आप लोग जो है प्रिंट करेंगे ए, और उसके बाद आप लोग इन तीनों में से कोई भी की देंगे इसको, मान लीजिए मैं सोर्स दे रहा हूँ, तो ये मुझे जो है प्रिंट करके दे देगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसने मुझे दिस दे दिया है। तो ये एक तरह से जेसन पार्स करने का सिंपल सा तरीका था और ये जो है आप लोग पाइथन में जेसन पार्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग करके दिखाऊंगा अगले वीडियो में। हम लोग न्यूज़ API का यूज़ करेंगे और न्यूज़ API का यूज़ करके हम लोग जेसन वैल्यू को वेब से उठाकर पार्स करेंगे और उसमें से जो रेलेवेंट डेटा है उसको स्क्रैप करेंगे। तो आप लोग इस सीरीज़ को देखते रहिए, अगली वीडियो में मैं आप लोग को ये सब सिखाऊंगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा और अगर आप लोगों का कोई डाउट आता है तो उसको सॉल्व कर दूंगा। और काफ़ी लोग हैं वो लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक कर रहे हो। और शुरू में तो जितने व्यूज़ थे उतने लाइक्स तक बने हुए थे तो वीडियो का, तो इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियोज़ बनाने का, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। मेरी प्रॉब्लम है यार, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी मैं अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करूँगा कमेंट्स में या फिर आप लोगों को वीडियोस में बताऊँगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर आप लोग को लगे तो आप लोग से हो पाए तो प्लीज़ सॉल्व करके मुझे दो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ी बहुत कभी मुझे मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मे बी, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं सोच रहा हूँ और मेरे दिमाग में जो है नहीं आ पा रही है, तो आप लोग उसको सॉल्व करके दीजिए। ये कम्युनिटी है, हम लोग कम्युनिटी की तरह रहेंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।